हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहनलाल। और आज का वीडियो मैं उन सभी लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ जो लोग मेरा ऑनलाइन एंजल वर्कशॉप करना चाहते हैं। उनके बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर, क्या सर हम लोग इस ऑनलाइन एंजल वर्कशॉप को कर सकते हैं? क्या उतना ही रिजल्ट आएगा जो आपके पास आके हम लोग डायरेक्ट सीखेंगे? कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर, ऑनलाइन एंजल वर्कशॉप करने के बाद क्या हम लोग वो सब चीजें, यानी स्पेशली जैसे कार्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग या कोई भी ऐसा प्रोसेस को आर्कएंजल्स के बारे में, एंजल्स के बारे में क्या हम लोग समझ पाएंगे? तो मैं आप लोगों के साथ 100% गारंटी लेके कहता हूं कि जब भी आप लोग मेरा ऑनलाइन एंजल वर्कशॉप करेंगे तो आपको हर चीज बहुत ही बारीकी की समझ में आएगी। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन एंजल वर्कशॉप देता हूं तो आप क्या होता है, आप लोग मेरे एकदम बिल्कुल रूबरू हैं, वन टू वन मेरा इंटरेक्शन होता है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होता है, उसके अंदर आप लोगों को सब कुछ पता लगता है कि एंजल्स कौन होती है, आपके आर्कएंजल्स कौन होते हैं, आपके गार्जियन एंजल्स कौन होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स कौन होते हैं, आपके सेंट मास्टर्स कौन है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आपको मैं टेक्निक्स बताता हूँ, प्रोसेस बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग एनकाउंटर कर पाते हैं, किस तरह से मैसेजेस को डिकोड करना है, एंजल कार्ड रीडिंग क्या होती है, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग एंजल के साथ क्या होता है। इससे भी ऊपर, सबसे ऊपर जो मोर इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पता लगेगा कि एंजल्स हमारे साथ है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो प्रेयर है वो आंसर हो रही है। ये सभी चीजें आप लोग बहुत ही अच्छे से एंजल्स की ब्लेसिंग वर्कशॉप जो ऑनलाइन होती है उसमें आप इसे सीख सकते हैं। अभी वैसे भी मैं कुछ दिन बाद लाइव अभी हो रहा हूँ एंजल्स के लिए फेसबुक पे, आप लोग वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको डिस्क्रिप्शंस पे और उससे के नोटिफिकेशंस भी मिलेगा। एक बहुत ही अच्छा वाक्य मुझे याद आया, मैं इसको आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग बहुत बार बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मेरे और भी वीडियोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। कई बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं हमारा देखते हैं कि नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है? उस जगह एक टाइम क्या हुआ, मैं एक बार ऐसी ऑनलाइन एंजल वर्कशॉप ले रहा था और एंजल कार्ड्स को सिखा रहा था। जब मैं एंजल कार्ड सिखा रहा था तो एकदम से मेरा एक अपना पर्सनल जो मेरा क्वेश्चन था वो मेरे सामने आया और मैंने उसी कार्ड रीडिंग करते हुए सेम चीज मैंने रखी, क्वेश्चंस मुझे उसका आंसर मिला। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपने एंजल्स को इन्वोक किया प्रेयर के लिए और वो प्रेयर जो मुझे मिली उसका मुझे आंसर मिला। ये क्या थी ये प्रेयर? इतनी सी थी, मैं बहुत दिनों से अपने लिए एक अकाउंटेंट ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रहा था, फिर ढूंढ रहा था, फिर नहीं मिल रहा था। सबसे बोल रखा था कि मुझे एक अकाउंटेंट चाहिए अपने लिए, अकाउंटेंट चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डाल दिया, फीलिंग्स करनी शुरू कर दी, लेकिन तब भी नहीं मिल रहा था। उस टाइम पे मैंने आर्कएंजल चैनल को और रेगुल को, आप सीखेंगे कौन है वर्कशॉप में मेरी, उनको मैंने इन्वोक किया कि कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे एक्चुअली में ये बंदा चाहिए जो मेरे अपने काम के लिए बहुत मुझे सपोर्ट करे। इसी तरह से मैंने एक अच्छे अपने रिलेशनशिप के लिए भी एनर्जी डाली अपने एंजल्स के साथ। और हुआ क्या, आप नहीं विश्वास करेंगे, बहुत ही ये मस्मराइजिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जब मैं कर रहा था तो नेक्स्ट डे मेरी कोई और ट्रेनिंग की वर्कशॉप थी। ओके, एकदम से पता लगा कि जो ट्रेनर्स हैं उनके किसी के यहाँ पे देहांत हो गया और वो फिर पोस्टपोन हो गई मेरी वर्कशॉप। अब जब ऐसा हुआ तो मुझे बहुत थोड़ा सा बुरा लगा कि मैंने बहुत मुश्किल से अपना एक पीरियड खाली किया था। लेकिन उसके बाद जब शाम को मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था तो पता लगा कि वो काउंसलिंग जिसकी कर रहा था वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसने मुझे बताया कि उसके अपने रेफरेंसेस हैं और रेफरेंसेस के थ्रू मुझे मेरा मिल गया। आप सोचिए इस बात को कि सिर्फ एक मात्र छोटी सी प्रेयर ने कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में मेरा काम कर दिया। कितना स्ट्रांग ये कनेक्शन होता है एंजल के साथ जब हम लोग कोई चीज प्रेयर करते हैं और उसको छोड़ देते हैं पूरे विश्वास के साथ कि कोई ना कोई है हमारी प्रेयर को सुनने वाला, कोई ना कोई है हमारे मैसेजेस को ऊपर तक ले जाने वाला। एक आपको जो बिलीफ सिस्टम मिलता है, आपको जो एक सपोर्ट मिलता है, ये आप लोग एंजल ब्लेसिंग्स वर्कशॉप में कर पाते हैं। इससे भी अलावा बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस, मेरे रोज इन लोगों के अपने मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि सर आज हमारे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ ये हुआ, सुन के भी बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं मोटिवेट रहता हूँ, हमेशा मैं इंस्पायर रहता हूँ इस तरह की वर्कशॉप, डिवाइन वर्कशॉप लेने के लिए। एंड नॉट ओनली लाइक एक क्राइटेरिया, क्योंकि हर बार प्रोग्राम्स में नई नई चीजें आती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन जो जो चीजें हम लोग उसकी रिसर्च कर रहे हैं, जिस जिस चीज के ऊपर हम लोग अपने मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। ये सभी चीजें आप लोगों के साथ उस कोर्स के अंदर एड ऑन होती चली जाती है। एंजल का कोर्स अपने आप में ही बहुत बड़ा कोर्स है, आप लोग अपने आप में बहुत डिवाइन है। कोई भी, इवन जो रेकी हीलर्स होते हैं, अगर वो इस कोर्स को सीखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वन चीज, क्योंकि हीलिंग प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा सुधार आता है। नॉट ओनली रेकी हीलर्स, कोई भी प्रैक्टिशनर्स अगर इस तरह की हीलिंग सीखते हैं तो उसकी उनकी अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलने लग जाते हैं। एंड अबव देन दैट, इस कोर्स को हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने स्टूडेंट्स में भी इसको किया है ट्राई, मैंने इसको हाउसवाइफ में भी ट्राई किया है, मैंने बिजनेस में भी और एम्प्लॉयज के ऊपर भी इसको किया है। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है लोगों के, जो लोग ये बोलते हैं, और स्पेशली जो लोग स्केप्टिकल होते हैं, जो नहीं मानते किसी चीज के, उनके साथ भी एनकाउंटर्स के एक्सपीरियंसेस मेरे पास होते हैं। इट इज वन ऑफ द लाइक फाइनेस्ट एंड डिवाइन कोर्स एंड आई मस्ट रिकमेंड एवरी ऑफ माई फॉलोअर्स
तो प्लीज डू दिस कोर्स. जिन लोगों ने ऑलरेडी ये कोर्स किया हुआ है उन लोगों को पता ही है कि कितना ज्यादा चार्म है इस कोर्स का, कितना डिविनिटी इसमें इन्वॉल्व है. और जिन लोगों ने नहीं किया है, अगेन गिव यू अ ट्राई, एक बार आप जरूर मेरे साथ रूबरू होइए इस एंजल की दुनिया में. आई होप दैट यू विल एंजॉय. सो हाई, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ माई व्यूअर्स, थैंक यू सो मच. इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पता नहीं है अगर किसको इसकी जरूरत हो तो वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए. आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिलता है, इतना सम्मान मिलता है, इतनी ब्लेसिंग्स मेरे पास मिलती है, मैं उसी की वजह से इतने सारे वीडियोस आपके लाता रहता हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.